फोर्स बढ़ाए, अगर अप्लाइड मतलब हमारा फोर्स बढ़ाए तो उन परिस्थितियों में वो क्या होगा, चलेगा तो उसका एक्सेलरेशन होगा और बड़ा माइनस छोटे से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। बट अगर फ्रिक्शन फोर्स बढ़ाए तो उन परिस्थितियों में वो सेकंड पॉइंट भी एक मेन कि अगर हमारा फोर्स 25 है और फ्रिक्शन के पास 50 न्यूटन तक है तो वो तो ठीक है कि नहीं चलेगा, वो बात तो समझ में आ रही है कि एक्सेलरेशन जीरो होगा। बट दूसरी गलती ये होती कि वो पूछेंगे क्वेश्चन में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, तो आदमी लगाएगा कि फ्रिक्शन फोर्स तो म्यू एन होता है, तो वो भी एक 50 भी ऑप्शन में होगा और एक 25 भी ऑप्शन में। तो वो दूसरी बात मेन समझना है कि जब बॉडी चलती नहीं है तो उन परिस्थितियों में अप्लाइड ही फ्रिक्शन के बराबर होता है। फिर इसमें केसेस हॉरिजॉन्टल एंगल पे पुलिंग पुशिंग वाले केस मैंने बता दिए थे, उसके बाद हम लोग कहाँ आए थे, फ्रिक्शन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। एक बार इंक्लाइन प्लेन पे फ्रिक्शन का देखो फॉर्मूला, तुमने गायब कर दिया हाँ दबा। इंक्लाइन प्लेन पे फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या, मैंने डायरेक्ट बताया था कि कोई भी चीज ढलान पे रखे उसको बोलना भी ऐसे ही कि अगर ढलान पे रखी है तो वो चलेगी, ऐसा जरूरी नहीं है। वो डिपेंड करेगा किस पे, एक तो एंगल पे और दूसरा डिपेंड करेगा म्यू की वैल्यू कौन बड़ा होता है। तो कंडीशन एक याद रखना है, अगर एंगल टेन थीटा बड़ा है किससे, म्यू से, तो फिर स्लाइड चलेगा, और टेन थीटा छोटा है तो नहीं चलेगा। बस वही हम लोगों को कंडीशंस पहले चेक करनी है, ठीक है। चलो उस पर पहला क्वेश्चन, फिर इसके एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन के फॉर्मूले भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, फटाफट देख लो। एक घंटा फ्रिक्शन पढ़ते हैं, चलिए देखो देखो मत ऊपर देखो फटाफट। तो एक इंक्लाइन प्लेन है, ढलान है देखो बच्चों, और उस ढलान का जो इंक्लिनेशन है वो है 45 डिग्री। एक ढलान है उसका इंक्लिनेशन है 45 डिग्री। एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास है 10 केजी और ऐसा दे दिया इसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है 0.8, जरूरी नहीं हमेशा हो, मेरा टाइम पे आओ बस आनंद दूंगा मैं 8-10 के बाद, मेरे बाद सब पनिशमेंट दो ना। मैंने 2 दिन पनिशमेंट की, तुम बहुत लेट आए, नहीं मेरे आने के 2 मिनट बाद ही आया, तुम तो 8:30 बोले हो, 8:40 नहीं 8:30 मैक्सिमम, उससे मेरे आने का 2-3 मिनट की विंडो दे सकते हैं, 2-3 मिनट तक की विंडो, 10 मिनट बदनाम उन लोगों के लिए कोई रहा जैसा भी पहली बार लेट आई, तो आज इसको अपन दे सकते हैं, चलो ठीक है कल से नहीं आना बेटा। अब माही अगर नहीं आता तो माही को नहीं लेता मैं, ये मेरे पहले घुस गई भगते भगते। देखो ये क्वेश्चन है, एक ब्लॉक है जिसका मास 10 केजी है देखो बेटा, और अब उसको ढलान पर रख दिया और ढलान का इंक्लिनेशन कितना है 45 डिग्री। एक बार उसको हम लोग और रिवाइज करते हैं, यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा सबसे पहले देखना। तो सबसे पहला वो क्वेश्चन पूछेगा फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ ब्लॉक, और यहीं से वो मूव कर, ये वहीं से पूछ लेगा विल इट मूव और नॉट, देखो मूव करेगा कि नहीं करेगा भाई चेक तो करना है, एक टाइम पाओ ये लूंगा नहीं मैं, किसी दिन ऐसा नहीं हो जाए कि सबको बाहर खड़ा करना पड़ जाए, ये बात ध्यान रखना। मैंने पहले साल जब यहाँ पर ज्वाइन किया था फर्स्ट डे था मेरा, सर ने मुझे मैसेज किया सर आपकी 7:30 बजे से क्लास रहेगी, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है, एलएन में हमारी 7:45 पे होती थी, तो वहाँ 7:45 मतलब 7:46 भी हो गए तो लेट है, वहाँ 1 मिनट लेट लिखाता था कि सर आज 1 मिनट लेट आए, 3 बार ऐसा होता था तो मैसेज आता था फिर कोटा से कि आप लेट हो गए, आदत थी मुझे टाइम पे जाने की बिल्कुल। अब सर ने यहाँ पे बोला 7:30 पे क्लास है, मैंने कहा पहला दिन है यार अच्छा नहीं लगेगा थोड़ा 5 मिनट जल्दी चलते रहते, मैं आ गया 7:25 20:25 पता नहीं कभी पहले कोचिंग मंग था ना हुआ था, मैंने बोला यार वो सही जगह तो है कल तो नहीं आया था, मैंने बोला कि क्या पता ताला लगा हुआ यार थोड़ा इंतजार किया टाइम हो गया, फिर मैं सर को फोन लगाया मैंने कहा सर वो क्लास थी मैंने ताला लगा यहाँ तो कोई है ही नहीं,
हाँ तो बोले सर आ जाएगा एक मिनट, वो आपकी क्लास कितने बजे थी? मैं 7:30 बजे सर। मैंने कहा 8 बजे गई। तो बोले सर हाँ आ रहे हैं, बच्चे आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं सर, वो भेज रहा हूँ मैं प्रशांत सर, ये लोग मैडम को चाबी लेके भेजे सर। 8:15 हो गई, फिर 8:15 पे देखा कि हाँ कुछ बच्चे आना चालू होगा, आना धीरे 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 करके मैं आया, मैंने बातचीत करी भाई। 8:30 बजे तक लगभग काफ़ी स्ट्रेंथ थी काफ़ी, तो मेरे को अजीब लगा, मैंने एक घंटा हो गया तुम लोग क्यों गए, टाइम नहीं पता था क्या, क्लास कितने बजे थी? बोले 7:30 बजे। सब बोले हाँ 7:30 बजे थी। मैंने तो वहाँ कितने बजे रहे हो? तो बोले सर इसी टाइम पर आते हैं सब। मैंने ऐसा क्यों? बोले सर वो चांसर भी नहीं आते हैं, हम पहले आ जाते थे वो बाहर खड़े रहते थे, और सर आधा एक घंटा आराम से आते थे, तो हमने वही टाइम टेबल बना लिया। अब उनका टाइम खत्म ही नहीं, उनको रोज बोलो जल्दी आओ, बोले हाँ आएंगे आएंगे, जैसे आ रहे हैं देखो जा रहे हैं। फिर मैंने सब सेक्शन में वहाँ खड़ा रखता था सबको, मैं ये खिड़की खोलो सारी और लाइन से वहाँ खड़ा होके वहीं से क्लास अटेंड कर रहे हैं। फिर बोलो 2-4 दिन किया था वो अपने आप ही सब। अब तो लोगों से मुझे लगता है जाते जाते ये करना पड़ेगा। देखो इधर कल से लूंगा नहीं फाइन, कल फाइंड द एक्सेलरेशन विल इट मूव और नॉट, पहला क्वेश्चन। दूसरा फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। तीसरा फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन लिख लो। चौथा फाइंड द कॉन्टैक्ट फोर्स। Find the angle of action. ये 5 क्वेश्चन मैंने इसके अंदर लिखा दिए, इस एक के अंदर देखो। चलो देखिए, तो कल से भैया ये सिस्टम चालू होगा, मेरे बाद में किसी को अंदर नहीं लूंगा। नहीं तो ठीक है, देखो कोई भी कार्य करने पहले बताना चाहिए हमेशा, 2-3-5-6 दिन। बच्चों बता के एकदम से कोई ये नहीं बोल दे सर आपने एकदम से कर दिया, अब मेरा कोई भरोसा नहीं, मैं 8 बजे आ जाऊंगा एग्जैक्ट। तो मान के चल रहा ये हो सकता है 8-1 पे भी आप लोग अंदर ना पाओ। देखो इधर अब सबसे पहले ये 5 क्वेश्चंस में कुछ फॉर्मूले भी नए पढ़ेंगे। सबसे पहले सब लोग ऊपर देखो और क्या सीखना है, जो पहली लाइन से शुरुआत करना है वही क्वेश्चन का मेन पॉइंट होगा, उसके बाद तो सारे हम लोग फॉर्मूले बाय फॉर्मूले बना लेंगे। तो सभी बच्चों सभी लोग आदत डाल लें। सबसे पहली बात क्या है, जो मैंने कहा कि अगर ढलान पे रखा है तो चलेगा याद किया सर कहीं, कोई एक एग्जाम्पल ऐसा पकड़ लो, जैसे गाड़ी, तो क्या गाड़ी हमेशा ढलान पे लुढ़कती? अगर ढलान बहुत कम हो तो गाड़ी नहीं लुढ़कती। तो वही शुरुआत मेन पॉइंट कि ढलान पे रखा है तो चलेगा ऐसा जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करेगा ढलान के एंगल पे और म्यू की वैल्यू पे। देख लो यहाँ पे ढलान का एंगल कितना है, तो चलो कंडीशन रिवाइज करते हैं, किस किस को चेक करना है, टैन थीटा को और म्यू को। थीटा कितना है 45, तो मतलब ये कितना आएगा 10 45 को चेक करना है, और म्यू की वैल्यू कितनी है, बस 10 45 की वैल्यू कितनी होती है, तो 10 45 की वैल्यू कितनी है हमारी 1 है, और म्यू की वैल्यू कितनी है, कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, टेन थीटा। तो टेन थीटा ऐसा बोलो नॉर्मल,
एंगल बड़ा है म्यू एस से मतलब स्लाइड होगा पक्का। हाँ। तो स्लाइड होगा, स्लाइड होगा तो एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा? हाँ। तो एक्सेलरेशन आप लोगों का होगा, तो यहाँ पर क्या लिखोगे? यस द ब्लॉक विल मूव, और मूव करेगा तो उसका एक्सेलरेशन होगा। पहली मेन कंडीशन ही ये, नहीं तो लोग बुक में अलग के एफबीडी बना के चेक बैक भी कर सकते हैं, बट मुझे लगता है वो लंबा काम। तो सभी बैच में 11th रिपीटर में भी ये कहते हैं कि सबसे पहले आप लोग कंडीशन चेक करो, ऊपर देखो सब लोग, फिर बाद में लिखना, एक नया कुछ और लिखा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन चलने का ले लेते हैं, उसका अगले वाला क्वेश्चन हम लोग नहीं चलने का है। तो हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हाँ सर वो ब्लॉक तो चलेगा, वो ब्लॉक चलेगा तो ऑब्वियसली किधर चलेगा भाई? ढलान किधर की ओर? नीचे की ओर। तो वो जो ब्लॉक है चूंकि tan थीटा बड़ा है तो वो नीचे की ओर क्या करेगा? कितना एक्सेलरेशन? ये वो बात भी सही है कि बड़ा माइनस छोटा उससे हम लोग निकाल सकते हैं, उसी से फॉर्मूला बना है, बट कुछ फॉर्मूले यहाँ पर आप लोग डायरेक्टली भी याद रख सकते हो, समय बचाएंगे आप लोगों के और डायरेक्टली आप लोगों का आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं कहूँ फ्रिक्शन के चैप्टर में स्टेप वन चेक करो क्या करी थी, रिवाइज करो सब लोग, स्टेप वन में क्या किया था? स्टेप बोल तो नहीं रहे, देख लो एक बार। सबसे पहले स्टेप में हमेशा अपनी ताकत के पहले किसकी ताकत देखेंगे? दुश्मन कौन है हमारे लिए यहाँ पर? फ्रिक्शन। तो सबसे पहले फ्रिक्शन की ताकत देखेंगे। फॉर्मूला सब लोग रिवाइज कर लो, क्या होता है फॉर्मूला? यूएस एन टू एन, सबको याद हो गया। अब इंक्लाइन प्लेन पे मैंने क्या बताया था बच्चों? इंक्लाइन प्लेन पे फोर्सेस लिखते हैं तो कौन से लिखते हैं सबसे पहले? इंक्लाइन प्लेन पे कौन से फोर्स लगते हैं? साइन कॉस बोलते हैं ना, तो साइन कंपोनेंट किधर आता है? अब ये नहीं आया तो फिर इंक्लाइन के क्वेश्चन का नहीं कोई मतलब नहीं, कि भाई इंक्लाइन प्लेन जैसे देखते हैं। मैं भी आज तक भी यही सोचता हूँ कि इंक्लाइन प्लेन है तो सबसे पहले जो फोर्स आएगा वो किधर की ओर आएगा? नीचे, ढलान की तरफ, देसी भाषा में ढलान की तरफ। और दूसरा वाला ढलान से परपेंडिकुलर, ये वाला कौन सा होता है? सबको हो गया प्रैक्टिस? तो एम जी साइन थीटा और एम जी कॉस थीटा। दूसरा मैंने बताया था नॉर्मल रिएक्शन किधर लगता है, उसकी प्रैक्टिस कर लेना, उसको देख लो। अगर ऐसा रखा है तो ब्लॉक, अगर ऐसा रखा है तो नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा, अगर ढलान पे ऐसा रखा है तो फिर ऐसा, समझे क्या? एक बार बाकी सब लोग भी देख लो भाई, अगर ऐसा हॉरिजॉन्टल रखा है तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसा ऊपर लगेगा, और अगर इंक्लाइन पे रखा है तो नॉर्मल रिएक्शन इधर। बस तो इस वाले केस में नॉर्मल रिएक्शन हम लोग लगा देते हैं, तो इस वाले केस में जब नॉर्मल रिएक्शन हम लोग लगाएंगे तो नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा? ऊपर की बस। और जाएगा किधर ब्लॉक? जाएगा किधर? नीचे। तो फ्रिक्शन हमेशा किधर लगता है? ऊपर। बोलना सही है, सिंपल सी बात है, जिधर भी बॉडी मूव कर रही होती है उसके अपोजिट। तो ऑब्वियसली ढलान है तो नीचे जाएगा, तो फ्रिक्शन जो लगेगा इस पे वो किधर लगेगा? ऊपर। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो हम लोगों के लिए कहानी ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप में, पहली स्टेप को करने के पहले भी चेक तो कर लो, अगर ढलान आती है तो सबसे पहले चेक ही करना है चलेगा नहीं चलेगा, चलेगा तो एक्सेलरेशन हो। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बना भी सकते हैं बच्चों, बट बनाने से बेहतर है मैं आप लोगों को बोलूंगा याद रखो, क्योंकि बनाओगे तो वही बात है कि फिर हर बार एफबीडी बनाओगे, एफबीडी में बड़ा माइनस छोटा करोगे, यहाँ गलती होने की संभावना है। वो तरीका भी हम लोगों ने सीख लिया, इसके पहले भी हम लोग अभी तक वही यूज कर रहे थे बड़ा माइनस छोटा, बट सिर्फ इंक्लाइन प्लेन के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग उसको डायरेक्ट याद रखें, क्योंकि वो आप लोगों को समय बचाएगा, इसमें से आपको क्वेश्चन मिलेंगे बहुत सारे। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यहीं से बनता है। अगर आप चलो इक्वेशन लिखना चाहो तो क्या लिखाएगी ये भी देख लेते हैं, कौन बैलेंस हो जाएंगे पहले तो रिवाइज कर लो, बाकी लोग यहाँ किसको बैलेंस किया था? एन और एम जी को, पिछले क्वेश्चन में कॉपी करके देख लो भाई, हॉरिजॉन्टल के तीन क्वेश्चन कराए थे, वहां क्या बताया था कि ये नॉर्मल रिएक्शन एम जी को क्या कर देगा? ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, ध्यान से सुनना, तो हॉरिजॉन्टल ब्लॉक्स अगर रखे होते हैं
जो पिछले क्वेश्चन बताए थे, तो वहां पर हम लोग कहते हैं डायरेक्टली कि जो n होता है वो किसको बैलेंस कर देगा, mg, बट इंक्लाइंड प्लेन पे देखो n किधर है, इधर है, इसके अपोजिट कौन है, cos, इधर वाला कौन सा होता है, mg, cos थीटा होता है, तो ध्यान रखना, अब यहां कौन किसको बैलेंस करेगा, तो इंक्लाइंड प्लेन पे n mg cos थीटा को बैलेंस करेगा और हॉरिजॉन्टल पे n mg को बैलेंस करेगा। ये फर्क कॉपी के ऊपर कहीं अच्छे से बना दो कि नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू, क्योंकि फ्रिक्शन में नॉर्मली तो मैंने कॉपी के ऊपर अच्छे से बना लो। कैसे बनाओगे ये वाला, फिर मिटा दूंगा इसको, एक डायग्राम ऐसा बना लेना सब लोग कि नॉर्मल सरफेस पे नॉर्मल mg को बैलेंस करता है, बट इंक्लाइंड प्लेन पे नॉर्मल mg cos theta को बैलेंस करता है। इंक्लाइंड प्लेन ऐसा बनाया तुमने, हाँ ये बना लिया, ये वाला पार्ट सब लोगों ने बना लिया। चलो सुनो सब लोग, ऊपर देखो फटाफट। तो बच्चों आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ ब्लॉक विल मूव, सब लोग ऊपर देखो। अब अगर वो नीचे की ओर मूव करता है, इक्वेशन लिखूंगा तो नहीं, बट अगर मैं लिखने का कहूं तो इसने तो इसको बैलेंस कर दिया, ये दोनों फुर्सत में होंगे। अब इसमें से और इसमें से कौन बड़ा है, ऑब्वियसली, क्यों, तभी तो नीचे जाएगा। तो इक्वेशन क्या लिखाएगी फिर, बड़ा माइनस छोटा बराबर एम एन, तो उससे भी वही आंसर आता, बट फॉर्मूला आप लोग डायरेक्टली याद रखो, अगर कोई चल रहा है नीचे की ओर तो एक्सेलरेशन होता है उसी से बनता है, एक्सेलरेशन होता है जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। मैं आपको बोलूंगा इस फॉर्मूले को याद रखो, इस पे से आप लोगों को बहुत से क्वेश्चन डायरेक्टली मिलेंगे। ये किसका फॉर्मूला है बाद में लिखना, पहले देखो किसका फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन कहां पर, ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। अब बच्चों लास्ट में एक बार बोल दो, तो एक्सेलरेट कब करेगा, जब टेन थीटा क्या होगा, ये कहानी बोलते, तो अगर टेन थीटा की वैल्यू म्यू एस से ज्यादा है तो उन परिस्थितियों में वो नीचे की ओर एक्सेलरेट, तो कितने से एक्सेलरेट करेगा उसका फॉर्मूला है। बस आपको डायरेक्टली वैल्यू रखनी है और आपको डायरेक्टली आंसर लाना है, तो एक बार ऊपर देख लो वैल्यू रख लेते हैं, तो एक्सेलरेशन विल बी जी, एंगल रख दो, साइन थीटा कितना होगा, सोचो आप भी लोग कर रहे हो, ये सोचो कितना होगा, साइन 45 माइनस यू कितना है, 0.5 cos, ये उसका नीचे की ओर एक्सेलरेशन होगा। बस वैल्यू रख देते हैं तो वो कितना आ जाएगा जी, ये वाली sin 45 1 by root 2 minus 0.5 cos 45 भी लिया, क्या बोलते हैं, बस इन दोनों से क्या करें भाई, इन दोनों से root 2 बाहर ले लो, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, देखो g by root 2 यहाँ कितना बचेगा, तो जो एक्सेलरेशन है वो जी बाय रूट टू, तो पहले से ही है जी बाय रूट टू, दिस विल बी द एक्सेलरेशन। तो याद रखना है, स्मार्टली याद रखना कि पहले चलना चाहिए, टेन थीटा बड़ा होगा, अगर चलेगा तो फिर ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा, फटाफट लिख लो इसको। चालू कर दिया रिकॉर्डिंग, थोड़ा दूर रखो कि ना पास रख लो, लाइट दिख रही पीछे की, उस पीछे लाइट को ऑन करो ना, कहाँ से होती है उसको याद रख लो, वहां से होती है, उसको बंद करो पीछे लाइट नहीं, हाँ वो वाली, ये वाली आप ठीक है, ये वाली लाइट एक आध तो है ना,
वहां पर मैंने क्या बोला था कि अगर कोई ब्लॉक चलता है तो चल रहा है, तो उन परिस्थितियों में चल रहा है मतलब क्या, कौन बड़ा है? एंगल तो बड़ा है, हाँ टेन थीटा तो बड़ा ही है, बट चल रहा है इसका मतलब अप्लाइड फोर्स क्या आपका ज्यादा है, किससे ज्यादा है? फ्रिक्शन से। तो अगर कोई ब्लॉक चल रहा है इसका मतलब फ्रिक्शन अपनी पूरी ताकत लगा चुका होगा, उसके बाद भी वो उसको रोक नहीं पा रहा। तो क्वेश्चन में अगर फ्रिक्शन की बोले वैल्यू पूछे तो ऐसा करना कि भाई सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू तो आप लोग निकालोगे ही सही, बट मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा वो भी तो हम लोग को चेक करना है। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कब नहीं लगता उसको बारीक बात है, अब वो बारीक बात है उसको समझना, वही तो मेन है। जैसे मैंने बोला इस सरफेस के बीच मान लो मैक्सिमम फ्रिक्शन 50 न्यूटन है, अगर आप सिर्फ 25 लगा रहे हो तो क्या ये पूरी यूज करेगा? कितनी करेगा? सिर्फ 25 यूज करेगा। बट अगर इसी क्वेश्चन में मान लो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 50 है और आप 70 लगा रहे हो, क्या बोलते हो भाई? तो फिर क्या करेगा? पूरी वैल्यू यूज कर लेगा और चलेगा कि नहीं चलेगा? तो एक्सेलरेट क्या होगा आपका? करेगा। तो यहाँ से बच्चों बताओ, एक जनरल बात ऐसे कह सकता हूँ क्या कि अगर कोई वस्तु कोई चीजें चल रही है, दो बातें कहूंगा, अगर वो चीज चल रही है मतलब ये तो सहमत है हम लोग की अप्लाइड फोर्स हम जीत गए हमारा बड़ा, और अगर वो चल रही है मतलब फ्रिक्शन अपनी पूरी ताकत यूज कर रहा है। तो यहाँ पर आपने क्या बोला, यहाँ पे कौन टेन थीटा क्या आपका ग्रेटर है किससे? म्यू से, मतलब आपने क्या बोला है मूव, अगर मूव करेगा तो ये फ्रिक्शन अपने क्या करेगा मैक्सिमम पूरी ताकत क्या कर लेगा यूज कर। इस पर दूसरा क्वेश्चन बताऊंगा तब आप कंपेयर कर पाओगे, जब दो बातों को कंपेयर करोगे तो वो बिल्कुल दिमाग में जाकर चिपक जाएगी कि चलता है अगर तो बांधे खत्म, चल रहा है तो पूरी ताकत यूज कर ली होगी फिर भी रोक नहीं पाए, पर जब नहीं चल रहा है तब वहां पर थोड़ा लॉजिक हम लोग को सोचना पड़ता है कि वो कितनी लगा रहे हैं। तो भाई ठीक है, हमने बोला पहले वाले का आंसर निकाल लिया कि एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आई g/2√2। दूसरे वाले का आंसर अगर वो चल रहा है, इफ इट इज मूविंग, ऐसा लिखूंगा इफ इट इज मूविंग मींस, हाँ वो तो लिख दिया, इफ इट इज मूविंग मींस मैक्सिमम फ्रिक्शन इज यूज्ड। तो बस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो, म्यू एस इनटू एन, म्यू एस कितना है? 0.5। और इंक्लाइन प्लेन पे एन किसके बराबर होता है? एमजी कॉस, बार बार रिवाइज करो, इंक्लाइन प्लेन पे एन एमजी कॉस, उसको बार बार रिवाइज करो, तो एमजी कितना है? 100। और कॉस थीटा कितना है? सॉल्व कर लेते हैं, जो अभी सॉल्व किया था, एफ मैक्स बराबर 0.58, डायरेक्ट कर दो इसको, ये कितना हो जाएगा 50 × √2, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज 50/√2। चाहो तो रूट टू की वैल्यू 1.4 रख के आप लोग सॉल्व भी कर सकते हो। ये हमारा सेकंड वाले का आंसर आ गया, बारी बारी चल रहे देखना, सेकंड वाला हो गया, सॉल्यूशन नंबर थर्ड ये भी निकाल लिया, किसकी वैल्यू निकालनी है? नॉर्मल रिएक्शन की, तो अभी सिखा दिया इंक्लाइन प्लेन पे, फिर से बोलो नॉर्मल रिएक्शन कितना होता है? mg cos कितना है? तो नॉर्मल रिएक्शन विल बी भाई mg cos 45, ये किसके बराबर आ जाएगा? 100/√2। थर्ड वाला क्वेश्चन, हाँ फोर्थ वाला क्वेश्चन, ये कुछ नहीं बात है, इसको अच्छे से पहले सुनना फिर बाद में लिखना, इसको अच्छे सुनना, क्या फाइंड करनी है? फाइंड द कॉन्टैक्ट फोर्स, ध्यान से सुनना, ये कुछ नई बात है बिल्कुल नहीं, अच्छे सुनना। तो बहुत से लोग नॉर्मल रिएक्शन को ही कॉन्टैक्ट फोर्स समझते हैं, हाँ क्योंकि वो बात भी सही कि मैंने ही कहा था कहीं पर भी अगर कॉन्टैक्ट होता है तो वहां पर नॉर्मल रिएक्शन होता है, कहीं पर भी रस्सी होता है तो वहां पर कौन सा फोर्स होता है? टेंशन। ऐसे पकड़ो, रस्सी होता है तो टेंशन, कॉन्टैक्ट होता है तो नॉर्मल रिएक्शन, और भगवान का तीन ही तो फोर्स है, और चौथा यहाँ पे कौन सा आ गया? फ्रिक्शनल फोर्स आ गया। तो थोड़ा सा ये कॉन्फ्लिक्ट ये है कि हाँ नॉर्मल रिएक्शन तो कॉन्टैक्ट के कारण होता है, इस बात से सहमत है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बट अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कॉन्टैक्ट फोर्स पूछ ले तो फिर क्या निकालेंगे उसमें बताओ? नॉर्मल और फ्रिक्शन दोनों का रिजल्ट है। हाँ तो ये फर्क है कि अगर सिर्फ कॉन्टैक्ट फोर्स बोले, कॉन्टैक्ट फोर्स का नाम क्या है, तो कॉन्टैक्ट फोर्स को बोलते हैं इट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द सरफेस। हाँ तो फॉर्मूला क्या बनेगा इसका?
तो जो कॉन्टैक्ट फोर्स का फॉर्मूला होता है उसको सभी लोग ध्यान रखेंगे, वो होता है अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, मतलब जो भी नॉर्मल रिएक्शन आ रही उसका स्क्वायर प्लस, इसको याद रखना सब लोग, ये कॉन्टैक्ट फोर्स होता है अंडर रूट नॉर्मल का स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन का स्क्वायर। नॉर्मल कितना आया था? सिर्फ ये जो दो आई इनकी वैल्यू रखनी, तो नॉर्मल कितना आया था? 100 अपॉन रूट 2, बट इसका क्या चाहिए? स्क्वायर, नहीं n स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन कितना आया था? 5 रूट 2, इसका भी क्या करना है? स्क्वायर। बस पटक दीजिए सॉल्व करके, इसको आगे आप लोग सॉल्व कर लेना, रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, ये भी 2, 100 स्क्वायर ऐसे लिखे रहेंगे, 50 स्क्वायर ऐसे लिखे रहेंगे, 50 स्क्वायर कॉमन निकाल के आप लोग क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ये कौन सा पार्ट हो गया? चौथा पार्ट। पांचवा पार्ट क्या है? ये हो गया फाइंड द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, सॉल्यूशन नंबर 5। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है ये भी आप लोगों के लिए नई बात हो सकती है, इसको भी देखना अच्छे से। हाँ बेटा क्या होता है मुस्कान बताओ? वैसे तो उसको रिजल्टेंट का किसके साथ एंगल? हाँ तो फॉर्मूला क्या बनेगा उसका? tan theta is equal to tan theta is equal to friction divided by normal reaction। इस पाछे वाले फॉर्मूले को भी याद रखना सब लोग, एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल फोर्स। बस बाकी सबकी वैल्यू तो ही, फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी यहाँ आगे लिख दूं तो tan थीटा बराबर f अपॉन n, फ्रिक्शन कितना है 50 अपॉन रूट 2, नॉर्मल कितना है अपॉन रूट 2, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिल गया 1/2। एक बार फिर याद कर लो ये थीटा क्या है, सुन लो यहाँ पर दो एंगल है, सुन लो कंफ्यूजन हो सकता है। एक एंगल तो मैंने ये दिया 45 डिग्री, जो क्वेश्चन में हम लोगों का दिया था ये एंगल 45 डिग्री, इसको क्या बोलते हैं? दो अलग अलग बात है, सारे एंगल भाई एक नहीं दुनिया में, इसको क्या बोलेंगे? दिस इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन मतलब ढलान। तो ये जो थीटा है ये ढलान का एंगल, बट ये जो हम निकाल रहे हैं टेन, इसको जो भी नाम दे दो कुछ अल्फा नाम, तो वो जो टेन अल्फा है इस अल्फा को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो फॉर्मूला ध्यान रखना, फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल फ्रिक्शन, लिख लो फटाफट इसको, सारे पार्ट लिख लो, फिर इसमें एक उल्टा क्वेश्चन करूंगा, ये हो गया, जल्दी लिखना फटाफट 2 मिनट में, सही? कैलकुलेटर जरा तो नहीं पड़ रही क्वेश्चन, चलिए देखो फटाफट। नेक्स्ट देखना
तुम क्या बोलते हो इसके बारे में? तुम इसके बारे में क्या बोलते हो? इसके बोल रही किसी और का ना लड़कियों में वो क्वालिटी होती है वैसे आग लगाने की एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर बट लड़कियों में क्वालिटी आग लगाने की बस नहीं हम लोग तो किसी की बात ही नहीं करते यार मेरे मम्मी भी दिन पर नहीं हम लोग तो किसी की बात नहीं करते हम लोग क्या करना किसी से यार बिना वजह बुआ की बात करना क्या मतलब उनका उनकी बहू तो ऐसी है उसकी क्या बात करना लक्ष्मी की अपन तो चाहते हैं तो वो कोई ना पेड़ पड़े ना वो आजकल सब कोई मान सम्मान खत्म हो गया और उनके लड़की की तो बात ही नहीं करना कभी तो दोनों की तो बेकार था उसकी तरह था दिन भर उसको कल परसों झगड़ रहा था और एक आध घंटे बाद बोले थे अपन तो कहाँ किसी की बात करते बात नहीं करते मेरी मम्मी चाची को देखते हो ना ये इनको इसी मजा आते रहता है काम वाले भाइयों का भी ये रहता दीदी हम तो किसी की बात नहीं करते बात तो और सब सब पूरा डिटेल इसको लिखो एक डायरेक्शन भी बताता है इसमें और चीज चलो लो फिर से पांच क्वेश्चन सेम क्वेश्चन सिर्फ वैल्यूज मैंने चेंज करी है तो इससे दूसरा भी आपको एक पहलू मिल जाएगा कहीं भी मिलते हैं तीन चार लोग ऑफिस वाले तो ऑफिस की बात करते रहते हैं ठीक है बैंक वाले तो बैंक की बात करते रहेगा मालिक की बुराई करना कोचिंग वाला है तो बच्चों की बुराई करना सिस्टम में ये हो गया वो हो गया ये तो पढ़ते नहीं है रिजल्ट भी लाते हैं फिक्स कॉमन रहता वो उससे अगर आप बाहर निकल गए मतलब कुछ अलग है देखो इधर अब सब ऊपर देख लो भाई सबसे पहला पॉइंट हमारी जो हमारा जो नारा है हमारा जो नारा है वो क्या है कि अगर ढलान पे होगा तो चलेगा चलेगा ऐसा जरूरी नहीं है वहीं से तो क्वेश्चन स्टार्ट करना है कि चल भी सकता है नहीं भी चल सकता चल गया तो अच्छी बात है एक्सेलरेशन निकाल लेंगे नहीं चला तो एक्सेलरेशन जीरो कर देंगे उसके लिए चेक करना है टेन थीटा और किसको चेक करना है म्यू एक्स को यहाँ टेन थीटा कितना होगा आप लोग खुद करो सोचो आप खुद कर रहे हो थीटा कितना है 30 तो यहाँ 10:30 और म्यू एस कितना है 10:30 कितना होता है 1/√3 और ये कितना होता है 0.8 और बड़ा है रूट थ्री की वैल्यू कितनी होती है वैसे 0.7 और इधर कितना है
0.8 करके देख लो, 1 upon 1.7 करोगे तो वो 0.8 से बड़ी बड़ी आएगी, 0.57 आएगी। डिवाइड करना पड़ा क्या, डिवीजन का लेक्चर ले लो नहीं, अरे भाई करके देख लेना। तो यहाँ पर ये जो tan थीटा 1/√3 की वैल्यू है ये छोटी आएगी और 0.8 की वैल्यू बड़ी आएगी, मतलब कौन बड़ा हो गया, US बड़ा हो गया, मतलब चलेगा नहीं, उसको जितना रिवाइज कर सको उतना कम है, थीटा बड़ा तो चलेगा, अगर tan थीटा छोटा तो नहीं चलेगा। तो मुद्दा ही खत्म हो गया, अगर नहीं चलेगा इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो। यहीं पे आ जाओ सब लोग, ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर देखो, एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो। So if it do not move, the acceleration of the dog becomes zero. पहला हो गया। दूसरा सदाबहार normal reaction किसको balance करेगा? ऐसा। तो ये इधर n आएगा, इधर इसको बैठा रहा हूँ। हाँ, वो याद नहीं हो जाना चाहिए क्लास में। इधर n आएगा और इधर क्या हो जाएगा? mg cos। ये हमने दोनों को क्या कर दिया? Balance कर दिया। Same value आ जाएगी आप लोग solve करके। यहीं लिख दूँ? तो mg मतलब कितना, 100 और cos 30, cos 30 कितना होता है, 1/2, सोच के बोला करो, into कितना, √3/2, तो वो कितना आ जाएगा, 50/√3। ये क्वेश्चन को मैं अच्छा मानता हूँ, इसमें लोग गलती करते थे। ऊपर देखो अच्छे से, इसमें लोग गलती करते थे। अब मैंने बोला व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इन दिस केस, ध्यान से ऊपर देखना सब लोग। तो हमने क्या बोला, वैसे फ्रिक्शन का फॉर्मूला निकालने का क्या होता है, म्यू एस इनटू ए, बट इससे जो वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी भाई, मेन चैप्टर का जो मेन रस, वो रस ही वही है, ये जो फॉर्मूले से मिलती है वो तो मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, वही तो क्वेश्चन का केस है। तो हमने क्या बोला, अगर ब्लॉक चलता है, अगर वो मूविंग स्टेट में है, इसका मतलब वहां पर मैक्सिमम यूज कर रहा होगा, फिर भी रोक नहीं पाया, समझ रहे हो क्या बोला मैंने, अगर कोई चीज मूविंग स्टेट में, इसका मतलब क्या, उसने उसकी मैक्सिमम वैल्यू यूज कर ली, जो पिछले वाले क्वेश्चन में था, कि पिछले वाले क्वेश्चन में tan थीटा क्या था आपका, म्यू एस से बड़ा था, इसका मतलब आपने क्या बोला था, वो चल रहा है, तो चल रहा है इसलिए आपने बोला उसने उसकी मैक्सिमम वैल्यू को यूज कर। बट यहाँ पर चूंकि हमने क्या बोला, tan थीटा कैसा है बच्चों, छोटा है, तो वो चलेगा नहीं। अब मिथ्या ही क्या, तो लोग निकालेंगे, हाँ अरे क्यों दिक्कत थोड़ी ना, म्यू एस की वैल्यू 0.8, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू 100, cos 30 की वैल्यू √3, तो ये कितना आ जाएगा, 80/√3, तो ये कितना आ जाएगा, 40√3, ऑप्शन में दिखेगा, आपने फटाक से इसको क्या कर देगा। बट ये क्या है, मैक्सिमम, अगर ब्लॉक नहीं चल रहा, अच्छे से देखना उसको, अगर कोई बॉडी नहीं चल रही तो वो मैक्सिमम फ्रिक्शन को यूज नहीं करेगा, तो वो कितना यूज करेगा, जो इस एग्जांपल बताया था कि मैक्सिमम ताकत अगर 50 है और हम अगर सिर्फ 25 लगाएंगे तो उसको ऐसा बोलना, इसको अच्छे से बोलना, अगर कोई बॉडी मूव नहीं करी, सुनो बच्चों, नो मूव, अगर कोई बॉडी मूव नहीं करी उस परिस्थितियों में जो अप्लाइड फोर्स होता है वही किसके बराबर होता है, फ्रिक्शन, इट विल नॉट यूज इट्स मैक्सिमम पावर। तो यह अप्लाइड फोर्स कौन सा होगा, इंक्लाइंड प्लेन पे देखना, ये दोनों तो बैलेंस कर दिए, और ये दोनों तो बैलेंस कर दिया, जो नीचे की ओर लगेगा ये कौन सा होगा, एमजी मतलब 100 साइन पर, या ये ब्लॉक इसको नीचे की ओर ले जाने की कोशिश कर रहा है, ये क्या है, बोलो समझ में आ रही, और जो फ्रिक्शन लगेगा इसको रोकने के लिए वो किधर लगेगा, तब इस पे अच्छे से मंथन कर लें, 10 सेकंड धीरे से विचार कर लें, क्या कह रहा हूँ, ये जो वैल्यू मिलेगी ये तो मैक्सिमम है, क्योंकि वो नहीं चल रहा, tan थीटा छोटा है, तो जितना अप्लाइड फोर्स नीचे की ओर लग रहा है उतना ही अप्लाइड फोर्स क्या होगा, पीछे की ओर, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 100 sin 30, 50 sin 30 कितनी आएगी, 1/2, तो नीचे की ओर फोर्स कितना लग रहा है, 50 न्यूटन, तो रोकने के लिए ऊपर की ओर फोर्स भी कितना लगेगा, 50 न्यूटन। अच्छा मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी, √3 कितना होगा, 1.7, तो कितना आ जाएगा, 17 छो
69 पॉइंट, हाँ कुछ तो लगभग लगभग यहाँ से देखो एफ मैक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 69, इसमें अच्छे से विचार कर लेना। तो 69 न्यूटन तो उसके पास क्या है, मैक्सिमम ताकत, बट चूंकि अप्लाइड फोर्स सिर्फ कितना है 50 न्यूटन है, तो इसको रोकने के लिए पीछे वो कितना लगाएगा सिर्फ 50। यही इस चैप्टर की सबसे मुख्य बात जो मुझे लगती है फ्रिक्शन की, वो ये एक बार इस पर अच्छे से धीरे से विचार कर, अब उसको दिमाग में प्रोसेस कर लो कि अगर कोई चीज चल रही है मूविंग स्टेट में है, मूविंग स्टेट में कब होगी जब 10 के टर्म यू से बड़ा है, तो मूविंग स्टेट में मतलब फ्रिक्शन पूरा यूज कर लिया, बट अगर 10 के टर्म यू से छोटा है मूविंग स्टेट में नहीं है, तो इसका मतलब जो मैक्सिमम ताकत लगाओगे वो यूज ही नहीं होगी, यूज सिर्फ कितनी होगी जितना अप्लाइड हो, तो अप्लाइड 50 है तो फ्रिक्शन भी कितना होगा 50, तो इसका आंसर कितना आएगा 69। यहाँ देखना क्या गलती नहीं करना है, 69 न्यूटन नहीं, क्यों नहीं मैक्सिमम, तो यहाँ पर सिर्फ 50 न्यूटन ही आएगा जो किसके बराबर है। देखो बच्चों फ्रिक्शन मिल गया, नॉर्मल मिल गया, उसके बाद तो कर दोगे कॉन्टेक्ट फोर्स क्या होता है, फॉर्मूला रिवाइज कर लो सर, सब लोग फॉर्मूला अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस इन दोनों का कर देना एंगल ऑफ फ्रिक्शन एफ बाय, बस यही सबसे मेन क्वेश्चन था, सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड वाला, इसको मार्क करना। इसमें एक और क्वेश्चन ऐड करूंगा, इसको लिख लो पहले, ऐसे बात करो, ऐसे बात करने से क्या होता है, साउंड तो थ्री डायमेंशनल होता है, इधर से निकल जाए ऐसा, किसी को काम बोले ऐसे बात करो कैसे, यूँ तो पता चली जाएगी कुछ बोली में बात करने का सबसे तरीका, तो टीचर जब पढ़ा रहा था तो मुंह इधर अपनी बात कर लियो, मैं इधर बोल रहा हूँ फ्रिक्शन, तो अपनी बात कर लो कि हाँ यस और क्या कर रहा है, चाय पानी, हाँ ठीक है बड़ी अच्छा, हाँ भाई उसमें सबसे कम पॉसिबिलिटी की समझ में आएगा, ऐसे बात करने क्या होता है, मरमरी इन द ईयर्स, क्या बोलते इसको मरमरी, चलो अगला आगे, डायरेक्शन किधर होती है वैसे, हमें बोल दिया चलो बता देता हूँ, What will be the direction of contact force? ये भी एक क्वेश्चन इंजीनियरिंग के कई मॉडल का मुझे याद आया, एक क्वेश्चन इंक्लाइन प्लेन पर डायरेक्शन का बात है, कौन से क्वाड्रेंट में आएगी किधर जाएगी डायरेक्शन कॉन्टैक्ट फोर्स की। देखो अभी हम लोगों ने क्या बोला, कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, एक बार फिर फॉर्मूला रिवाइज करते हैं, किस किस का रिजल्ट है, वो तो फॉर्मूला याद रखा अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, और जो शब्दों में कहा वो किस किस का रिजल्टेंट है, सहमत हो बाकी लोग भी, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन का क्या है रिजल्टेंट। अब आप लोगों से पूछूंगा, देखो इंक्लाइंड प्लेन पे नॉर्मल किधर है जो हमने पढ़ा, ये नॉर्मल रिएक्शन डायरेक्शन होगी ये वाली, नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन किधर होगी, ऊपर अप्लाइड फोर्स की नीचे, फ्रिक्शन किधर होगा, तो ये हमारा mg cos हो गया, ये mg sin, नॉर्मल फ्रिक्शन, बस आपने बोला इन दोनों का रिजल्टेंट, तो दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होता है वो उन दोनों के बीच में कहीं पे आता है, तो जो नॉर्मल रिएक्शन होगा जो कॉन्टेक्ट फोर्स होगा वो कॉन्टेक्ट फोर्स इधर आता है ऐसा, इन दोनों के कहां पे आएगा बीच में, उसको हम लोग कहेंगे अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस, और इसी का एंगल जो इसके साथ है, जो एंगल कहते हैं इस एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, बना दो इसको फटाफट, यहाँ पे एक चेन प्रॉब्लम करा देता हूँ, एक वॉल प्रॉब्लम करा देता हूँ, कुछ स्टैंडर्ड और जो है
एक प्रॉब्लम एससीडी में ये भी दिया है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे किधर आएगा बताओ अगर अप्लाइड फोर्स इधर है तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स और वैल्यू भी बताओ इसमें कॉन्टैक्ट फोर्स किधर आएगा सिंपल देखोगे कैसे नॉर्मल रिएक्शन किधर आएगा ऊपर आएगा नीचे कौन सा आएगा अप्लाइड फोर्स अगर राइट में है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा लेफ्ट में और इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा बीच में इसी को क्या बोलेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स इसकी वैल्यू भी रख दो एन कितना होगा तो n होगा हमारा mg के बराबर तो mg का स्क्वायर प्लस अब सुनो फ्रिक्शन किसके बराबर होगा वो चेक करना है वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे तो अगर मैं बोलूं कि अप्लाइड फोर्स की वैल्यू ज्यादा है फ्रिक्शन से तो बताओ सब लोग सोचो मैंने क्या बोला बाकी लोग भी अगर अप्लाइड की वैल्यू फ्रिक्शन से ज्यादा है तो चलेगा कि नहीं चलेगा चलेगा मतलब राइट में क्या करेगा एक्सेलरेट फोर पॉइंट रिवाइज करना अगर चलेगा मतलब फ्रिक्शन अपनी थोड़ी ताकत यूज करेगा कि पूरी पूरी वो मेन पॉइंट है चलेगा मतलब पूरी यूज करेगा नहीं चलेगा मतलब तो चल रहा है मतलब ये पूरी यूज कर लेगा पूरी मतलब क्या तो इस केस में जो फ्रिक्शन की ताकत होगी वो म्यू एस इनटू एन और एन किसके बराबर है हमारे तो यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट फोर्स होगा यहाँ लिखा हूँ ऐसा अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर एन की वैल्यू तो एम जी और एफ की वैल्यू कितनी है भाई म्यू एम जी इसका क्या हमारा तो ये क्वेश्चन एस सी वर्मा के ऑब्जेक्टिव में भी दिया हुआ है यहाँ पर कॉन्टैक्ट फोर्स की डायरेक्शन और ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स है इसका नॉर्मल के समय एंगल इस एंगल को हम लोग कह रहे हैं एंगल ऑफ हाँ बेटा संस्कृति राज्यवाद इतने सालों बाद आज राज्यवाद उससे इसी तो परीक्षण है तुम्हारे संदेह से इसी तो परीक्षण है बेटा क्यों बेटा कम से कम जल्दी आते जाएगा कि अप्लाई लोग परीक्षण में कौन पढ़ा है नाम कितना मुश्किल है उसका राज्यवाद हाँ भाई क्या दिखाओ घर ले जाओ बोर्ड हमने आराम से देखना चाहो देखना ये बोर्ड आप लोग घर पे मिल जाए अच्छा आप लोग मस्ती करो इसमें बढ़िया डिजाइन ड्राइंग ड्राइंग करो पिक्चर देखो वो एक जान भी करी लेकिन जान भी और शहर को दोनों चौहान सर ने आके उनको इतना बढ़िया डोज दिया था दो तीन घंटे तक उनके रोड ही बंद नहीं हो रहे थे ये बोर्ड में हम लिख रहे मजा आ रहा था कुछ भी शेप लेके मस्ती कर रहे थे कलर वाले भर रहे चौहान सर आकर दोस्त लेके तो किसी से सर ने ज्यादा कुछ नहीं बोला था हमको कुछ एक दो हार्ड शब्द बच्चों के लिए सबसे हार्ड था सिलेक्शन को बोलना सर ने बोला तुम्हारी औकात ही नहीं सालों सिलेक्शन के यही जानवी जो रिजल्ट लाती है हम थोड़े मैंने देखा बच्चों को भी सिलेक्शन के लिए नहीं बोलना बहुत हार्ड होता है बाकी कुछ भी बोल दो भेजना मैं नहीं बता चेन प्रॉब्लम में क्या है ये जो कल तुम लोग पढ़े थे ना वो रहा था ये रिकॉर्डिंग चल रही है चल रही है आज बोल नहीं आया आज कल लफी दे कुछ बोल नहीं आया तुम लोगों ने देखो चेन में दो प्रॉब्लम बनती है डब्ल्यूपी में बनती है और एक यहाँ बनती है दोनों के दोनों प्रॉब्लम मैं आप लोगों को बता देता हूँ सुनो तो उसके लिए हमने को चेन चाहिए
चेन में दो बत्ती, दोनों एक संग ही देख लो ना, फिर अलग अलग क्या बताना। जब बात निकली है हाँ, एक बताई थी उसी में, एक और बनती है। चेन ही लिया होगा खरीद के कोई लोग, बहुत बड़ी चेन है बेटा, इतनी बड़ी में क्या करोगे? लो एक आई कार्ड दे दो। अच्छा दे ना, छोटी है थोड़ी, एक्चुअली वो इसलिए की नहीं, पर हाँ ठीक है। इसमें देखो एक प्रॉब्लम, दोनों नीट की प्रॉब्लम ही है, जो दूसरी वाली वर्क पावर एनर्जी की वो पूछते हैं, टेस्ट वेस्ट सीरीज में आती रहती है। तो सवाल ये, जैसे एक चेन चेन ले लो, और इस चेन का कुछ ना कुछ मास है और इसकी कुछ ना कुछ लेंथ भी है। इस चेन को हम लोगों को टेबल पर हैंग करना है। कैसे हैंग करना है, कि कितना भाग टेबल पर हैंग हो सकता है वो हम लोगों को देखना है। तो मैंने ये टेबल ले ली, और अभी आप देखो, ये तो बताना था बस, गिर जाएगी वो। कितना पार्ट टेबल पर हैंग हो सकता है हम लोगों को वही बतानी है। तो देखो यहाँ पर फ्रिक्शन कहाँ पे इन्वॉल्व है, चेन भी कहीं ना कहीं अपनी रफ सरफेस रहती है, और ये टेबल भी कैसी है, रफ। अब कुछ लोग इस पे सवाल उठा सकते हैं, सर ये कांच तो चिकना है, दुनिया में कोई सी भी चीज परफेक्टली स्मूथ नहीं होती, सब में कहीं ना कहीं फ्रिक्शन है। तो मैंने इस चेन को देखो ऐसा हैंग कर दिया। सब लोगों को जिसको दिख रहा है वो एक बार देख लो, तो इससे आपको याद रहेगा। देखो कुछ पोर्शन इसका कैसा है, हैंग है, एक्चुअली स्मूथ ज्यादा है, इस पे काम बन जाएगा। बस वही अपने को बताना है, यही तो बात बतानी है अपने को। क्या दिख रहा है, देखो कुछ पार्ट क्या है, हैंग है, और कुछ पार्ट कहाँ पे, टेबल पे। तो हमें वही हैंगिंग लेंथ निकालनी है मैक्सिमम, ताकि वो चेन ना स्लिप हो। अब ये चेन स्लिप हो रही है, सब लोग देखना, अगर नहीं दिख रहा हो तो खड़े हो जाओ। अब इसको धीरे धीरे कड़ी को मैं आगे कर रहा हूँ, देखो हैंगिंग लेंथ को बढ़ा रहा हूँ। अभी देखो हैंगिंग लेंथ को बढ़ा दिया, अभी स्लिप हो रही है, अब धीरे धीरे हैंगिंग लेंथ को और बढ़ाते चलो। तो एक एक टाइम ऐसा आएगा, अभी भी नहीं हो रही, देखो एक टाइम ऐसा आएगा, ये देखो जब वो क्या होगी, नीचे की स्लिप हो जाएगी। तो यही पार्ट है कि ये टेबल है और ये हैंग हो रही है, ऐसे देखो ऐसे, इस तरह से। तो एक पार्ट, एक हैंगिंग लेंथ ऐसे आती है, जिसके बाद वो पूरी की पूरी चेन क्या होगी, स्लिप। वही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन क्या बनते हैं, तो अंग्रेजी में अगर उसको कहेंगे, अंग्रेजी में कहना पड़ेगा ना, तो अंग्रेजी में क्या कहेंगे उसको, तो मैक्सिमम लेंथ ऑफ चेन हाँ विच कैन बी हैंग्ड, अंग्रेजी में लटकी विदाउट स्लिपिंग। चेन की मैक्सिमम लेंथ कितनी लटक सकती है टेबल पर बिना फिसले, वही हम लोगों को क्या करना है, कैलकुलेट करना है, सही है। अब टोटल, अब देखो ऊपर एक बार देख लो फटाफट फॉर्मूला देख लो, टोटल लेंथ ऑफ चेन कितनी है वाई, और टोटल मास ऑफ चेन कितना है एम। तो ये टोटल है। अब मैंने क्या बोला, इसमें से कितना भाग लटक सकता है ऐसा, ये तो ये जो लटका हुआ भाग है वो हमको निकालना है। तो मान लो लटका हुआ भाग कितना है हमारा वाई, क्वेश्चन में सिर्फ आपको स्मार्टली वैल्यू देखनी है, वो वैल्यू कितनी है उसको अच्छे से देखना। तो y पोर्शन अगर लटका है तो y की वैल्यू कितनी होगी, अच्छा फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, क्या इस लटके हुए भाग पर फ्रिक्शन लगेगा, इस पे तो लगे, फ्रिक्शन कौन से भाग पे लगेगा, जो टेबल के साथ कहाँ है कॉन्टेक्ट। तो टेबल और चेन के बीच कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, म्यू है। तो बस याद रखना, लटका हुआ भाग जो होता है, फॉर्मूला बना भी सकते हैं वेट को बैलेंस करके फ्रिक्शन के साथ में, तो जो लटका हुआ भाग होता है उसका फॉर्मूला ये होता है, इसको सब लोग याद रखें, म्यू अपॉन म्यू प्लस वन इनटू एल। वहां पर मार्क करना, एल इज द टोटल लेंथ, और वाई को हिंदी में लिखना, हिंदी में लटकी हुई लेंथ बिना स्लिप हुए, लटकी हुई लेंथ बिना स्लिप हुए, बिना स्लिप हुए लटकी हुई लेंथ, और म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टेबल एंड द ये। फटाफट लिखो, वशीकरण वैसे
वशीकरण होता है कि सही में आपको लगता है? हाँ जो वशीकरण हो जाते हैं वो लोग छूती हैं सर। ऐसे कैसे कोई आपको वशीकरण कर दे? हिम्मत है सर, मन जाओ। हाँ बताओ सर। वाव व्हाट इंग्लिश डाउट्स। चलो दूसरा फॉर्मूला क्या होता है इसको देखो और से नीचे वो अरे जो वशीकरण जिस जो जो हो रहा है टाइस क्या बोलते हैं उसको वो मेरे हिसाब से के लिए आदमी ऐसे कैसे कोई आपको आदमी कन्विंस कर। तो जब भी मानूंगा जब मुझे कोई करेगा देखो तो दूसरा फॉर्मूला। अब किसी को सुनो किसी को लटकी हुई चेन अच्छी नहीं लग रही। कोई बोले सर क्यों लटका रखी आप उसको टेबल पे लाओ। अरे हमने बोला लटके रहने दो बेटा थोड़ी लटकी होना भी चाहिए। बोले नहीं 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 लटकी क्यों टेबल पे लाओ। बोले ठीक है आप टेबल पे लाते तो टेबल पे कैसे लगेंगे भाई तो ये चेन ऐसी लटकी हुई इतना इतना भाग हैंड है और इतना भाग क्या है टेबल पे। तो कोई बोले कि अब इस चेन को सर जितना भी भाग लटका है इसको टेबल पे लाना है। तो टेबल पे लाने के लिए क्या करोगे चेन को बोल दो कि टेबल पे आ जा खींचनी पड़ेगी मतलब सम वर्क हैज टू बी डन। और खींचोगे कैसे यहाँ से पकड़ के ऊपर से तो आप क्या करोगे जो ऊपर का पार्ट है इसको क्या करोगे पकड़ोगे खींचोगे और खींचते धीरे 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 क्या कर दोगे टेबल पे। तो अगला पार्ट वो बन गया कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो देखो एक हाथ आएगा एक हाथ आएगा और ये हाथ क्या करेगा इस चेन को खींचेगा और खींचते खींचते फाइनल स्थिति कैसी बन जाएगी पूरी की पूरी कहां पे ले आएगा टेबल पे। यही सेकंड फॉर्मूला है और एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चेन ऑन टू द टेबल। टेबल पे लाने में उसको काम कितना करना पड़ेगा। तो वो वर्क डन का फॉर्मूला होता है MgL/2y2। इसको कैसे यूज करना बताऊंगा इसको लिख लो MgL/2y2। जहां पे स्मार्टली लिखना y क्या है उस आंसर नहीं आएगा पर अभी लिख लो y इज द हैंगिंग पार्ट। नहीं ये 2 अलग है MgL/2y2। तो दोनों पे क्वेश्चन बता रहा हूं इसको देख लो पहले आप लोगों ने सभी ने चलिए ये दोनों फॉर्मूले को कैसे यूज करेंगे इन दोनों पे क्वेश्चन क्या होगा उस पर चर्चा करते हैं। एक बार देख लो फिर पेज पढ़ लूंगा तो सब लोगों को फॉर्मूला याद होना चाहिए है ना। चलो क्वेश्चन लिखो चेन प्रॉब्लम में अ चेन इज हैंगिंग ऑन टू द टेबल। अ चेन इज हैंगिंग ऑन टू द टेबल ऑन टू द टेबल such that 40% of its length is on the table. Such that 40% of its length is on the table. Then find the amount of work done find the amount of work done in bringing the chain on the table completely. Find the amount of work done in bringing the chain on the table completely. Dusra? Find the coefficient of friction between the chain and the table required. Find the coefficient of friction between the chain and the table required so that the chain do not slip.
find the coefficient of friction between the chain and the table so that the chain do not slips. ठीक है, चलिए अब उसमें y को यूज कैसे करना है, वही हमारा स्मार्ट वर्क है। सिर्फ फॉर्मूला रटने से काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में y भी हम लोगों को पहचानना पड़ेगा। सब लोग एक बार क्वेश्चन को मन से पढ़ लो और फोटो बनाओ क्या दिया है। हो देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा वो हरकत ये कर सकते हैं कि वो चेन का वो पार्ट दे जो टेबल पे, हमें टेबल पे कितनी है उससे मतलब नहीं होता है, हमें किससे मतलब है लड़की के लिए उससे। तो वहां क्वेश्चन पड़ा उसने क्या बोला, 40% कहां है लड़की है, ऑन द टेबल। यही गड़बड़ होता है, सबसे पहले गड़बड़ ये हो सकती है कि वो मैंने बोला धीरे से वो क्वेश्चन में बैठा वो ऑन द टेबल की बात कर लेंगे, फिर आप लोग गड़बड़ कर दोगे। तो उसने बोला 40% अगर टोटल लेंथ एल है, बोलो तो एल का 40% कितना होगा, 0.4 है, तो 40% अगर टेबल पे, तो लड़की कितनी है 60%, मतलब 0.6L is the hanging part and 0.4L is the part which is on the table, हमें टेबल वाले पार्ट से कोई मतलब। अब दो फॉर्मूले निकालेंगे, देखो सबसे पहले वर्क डन में क्या खेल है वो अच्छे से देखना। हाँ, सबसे पहले वर्क डन का फॉर्मूला बिना देखे सबको याद होना चाहिए, mg l upon 2 y square, जहां y कौन सा पार्ट है जो टेबल पे, इट इज द पार्ट व्हिच इज हैंगिंग। अब उसमें भी आंसर लाने में दिक्कत, देखो इधर सब लोग ऊपर देखो एक मिनट, अब इस y की वैल्यू को बड़ा स्मार्टली रखना पड़ेगा, देखना। तो हमने बोला जो हैंगिंग पार्ट है बच्चों, वो हैंगिंग पार्ट है 0.6l, 0.6l को ध्यान से देखना, ये तो डेसिमल में, फ्रैक्शन में कितना लिखेंगे, 6/10 मतलब कितना, 3/5। ध्यान से बस एक लाइन का क्वेश्चन है, वो आपको सीधे सीधे नंबर दे देगा, सभी एग्जाम्स में ट्रिपल ई जेईई मेंस में नीट में सब में ये क्वेश्चन मिलेगा। इस क्वेश्चन की अच्छी बात ये कि इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ वाई की वैल्यू ही वो चेंज कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, बट इसमें जो गलती होती है वो बता रहा हूँ, ध्यान सुनना। तो सबसे पहले गलती वो परसेंट देंगे जो टेबल पे, हमने बोला ठीक है तो 60% हैंगिंग, 60% को कन्वर्ट किया 3/5। अब लोग क्या करेंगे, हाँ मिल गया y की वैल्यू 3/5 रख दो, तो आंसर आ जाएगा mgl upon 2। अच्छा 3/5 पार्ट ऐसे करना ना, तो वो यहाँ पर सिर्फ लिख देंगे 3/5, l नहीं लेते अपन, फॉर्मूला जब बनाया तो वहाँ पर कितना परसेंट है बस वो परसेंट वही लेते ना, तो l को हटा देना। तो सबसे बड़ी गलती होगी लोग डायरेक्ट 3/5 रख देंगे, तो mgl upon 2y square, यहां से वो लोग आंसर सॉल्व कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा, गलत होगा। क्यों गलत होगा देखो, तो आप लोग बस ये ध्यान रखिए जो भी परसेंटेज ऑफ लेंथ हैंगिंग है, जो आपने कहा 60% मतलब 3/5, ये y की वैल्यू नहीं, ये 1/y की वैल्यू। दो तीन बार कहूंगा ऐसा क्यों, कि जब इस फॉर्मूले को प्रूफ किया गया, कोई पूरा प्रूफ है इसका, इंटीग्रेशन करके एनर्जी कंजर्वेशन से आप प्रूफ कर सकते हो, तो जब इसको प्रूफ किया गया तो वहां पर जो y पार्ट लिया वो y हैंगिंग लेंथ नहीं है, वो 1/y की वैल्यू। तो जितना भी परसेंट कुछ नहीं करना इस पॉइंट, जितना भी परसेंट हैंगिंग है, हमने क्या बोला 60% मतलब 3/5, तो वो 3/5 y की वैल्यू नहीं, वो 1/y की वैल्यू क्या होगी, बस इतनी सी लाइन याद है। क्या बोला मैंने कि जितना भी परसेंट हैंगिंग होगा वो किसकी वैल्यू होगी, 1/y, बस उसके बाद तो कुछ नहीं है। तो अगर 1/y की वैल्यू 3/5, एक क्वेश्चन और दूंगा फिर आ जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इस वाले फॉर्मूले में y की वैल्यू 5/3 रखते तो वो कितना आ जाएगा हमारा mgl upon 2, n कितना है 5/3 का स्क्वायर, तो वो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, ये 9 कहाँ चले जाएगा ऊपर, तो वो आ जाएगा 9mgl upon 25 गुनी, दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। अभी वो वाले फॉर्मूले को अलग रखना, अभी सिर्फ वर्क डन वाला बता रहा हूँ, पहले उस वर्क डन वाले को देख लो आप। तो वहां पे क्या लिखोगे, हिंदी में लिख लेना, हिंदी में लिख लेना वहां पर, जितना परसेंट हैंगिंग लेंथ है
वो 1/y की वैल्यू, जितना परसेंट हैंगिंग लेंथ है वो, नहीं हमेशा हमेशा जो हैंगिंग लेंथ है वो प्रूव करते समय वो 1/y की वैल्यू। एक क्वेश्चन पर बताऊंगा, इसको लिख लो पहले। ये है ना, ये इस फॉर्मूले से ये कितना है 60%, मतलब कितना 0.5। अगर एल टोटल एल के टर्म्स में बात करूं तो 3/5 एल, और ऊपर टेबल पे कितना है 40%, मतलब कितना 4/10, मतलब कितना 2/5। तो टेबल पे जो लेंथ है वो 2/5 एल है, जो हैंगिंग लेंथ है वो कितनी है 3/5। दोनों को छोड़ो, वापस नहीं आ जाएगी, एल आ जाएगी। ठीक, क्या देखो ये वाला जब फॉर्मूला यूज करेंगे वहां पर एल मत लिखना, क्योंकि एल ऊपर ऑलरेडी बना दिया गया है। देखो इसमें पहला क्वेश्चन तो डब्ल्यू पी का हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन क्या देखना, फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ, नहीं सॉरी, अब देखो हालांकि ये दोनों अलग अलग चैप्टर के क्वेश्चन है, हालांकि दोनों अलग अलग चैप्टर के क्वेश्चन है, एक फ्रिक्शन का चैप्टर का क्वेश्चन है और एक डब्ल्यू पी का, बट मैंने दोनों साथ में इसलिए दिखा दिए, थोड़ा टाइम भी बच जाएगा और दोनों को आप लोग साथ साथ कंपेयर भी कर लो। तो आप ये देखना कि डब्ल्यू पी वाला क्वेश्चन पूछा है या फ्रिक्शन वाला। देखो सुनो बेटा, कैसे याद रहेगा, अगर वर्क डन पूछा है तो वो वर्क पावर एनर्जी का है, और अगर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट पूछा है तो वो किसका है, फ्रिक्शन का है। तो सेकंड वाले पार्ट में क्या पूछा है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो अब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वाले फॉर्मूले में चेन हैंगिंग लेंथ क्या है, म्यू अपॉन म्यू प्लस 1 इनटू कितना, दोनों क्वेश्चन अलग है। तो अब चूंकि यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा है तो मैंने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, बस वहां पे वाई क्या थी इस फॉर्मूले में, हैंगिंग लेंथ। क्वेश्चन में हैंगिंग लेंथ कितनी है, 3/5 l। अब सुनो, जब फ्रिक्शन वाले चैप्टर का क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ l लेना है, तो वहां पर कितना लिख दोगे, हैंगिंग लेंथ को 3/5 l बराबर म्यू अपॉन म्यू प्लस 1 इनटू l। तो दोनों में फर्क समझ लो, तो जब फ्रिक्शन वाला चैप्टर लिखेंगे तो वहां पर l को लेना है, जब डब्ल्यू पी वाला लिखेंगे तो वहां पर एल को कंसिडर नहीं करना, तो बस यहाँ पर एल से एल क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो 3/5 इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू प्लस 1, बस मल्टीप्लाई करना, 3 म्यू मल्टीप्लाई कर दो उधर से, तो 3 म्यू प्लस 3 इज इक्वल टू 5 म्यू, इसको ले आओ तो 2 म्यू इज इक्वल टू 3, तो म्यू की वैल्यू, हाँ क्या बोल रहे हो, हाँ वही कह रहा हूँ। सुनो, फ्रिक्शन वाला जो चैप्टर है उसमें सीधे आपको वाई की हैंगिंग लेंथ ही लेना, जो भी हैंगिंग लेंथ है वो सीधे सीधे आप लोग वहां पर ले लो, बट जो वर्क डन वाला फॉर्मूला है उसमें वाई की वैल्यू को उल्टा करना है, वही तो बता रहा हूँ ना, उसी को ध्यान रखना है। इसको लिखो वहां पर, लिख देना कॉपी के ऊपर कहीं नोट बना के साइड में, फिर एक और क्वेश्चन दे दूंगा, अभी साइड में लिख देना, ऐसे लिखना, इसमें ऐसे लिखना, इस फॉर्मूले में y हैंगिंग लेंथ, सिंपल उस फॉर्मूले में y हैंगिंग लेंथ ही लेना है, ऐसा मैं अलग से लिख देता, चलो ठीक है। देखो
ये जो फॉर्मूला है यहाँ पर अपने को y लेनी है डायरेक्टली, डायरेक्ट हैंगिंग लाइन लेनी है किसके टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ f, और ये मान यहाँ पर जो y है ये 1 अपॉन हैंगिंग लेंथ है। और यहाँ पर l नहीं लेना है ऐसा। अभी एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, एक बार उसको लिख लो कॉपी में नोट बना के। एक्चुअली मैंने दो दो चैप्टर को मिलाया ना, दोनों को अलग अलग पढ़ा तो आपको पता ही चलता है कहानी। इसको याद रखना, ये वाले फॉर्मूले में y डायरेक्ट हैंगिंग लेंथ है और ये वाले फॉर्मूले में y 1 अपॉन हैंगिंग लेंथ है। वही तो हो गया, हैंगिंग लेंथ इज इक्वल टू 1 बाय y, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 1 बाय हैंगिंग लेंथ। अरे तो दिमाग में लगाओ पहले लिखो। अभी जो बता रहा हूँ उसको सुन लो। लिखो एक क्वेश्चन, दिमाग बात ही आगे जाए। अभी सर लिखो, लिखो क्वेश्चन है, धीरे धीरे ध्यान से सुन लो। A chain is hanging on the table. A chain is hanging on the table. A chain is hanging on the table such that two-third of its part is hanging. Such that two-third of its total length is hanging. A chain is hanging on the table such that two-third of its total length is hanging on the table. एक मिनट सुनना, बहुत छोटा सा पॉइंट है, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। Two-third of its total length is hanging on the table. समझ गए? Full stop. ये दो क्वेश्चन हो गया। मैंने बोला इसमें दो क्वेश्चन पूछेंगे, एक फ्रिक्शन चैप्टर का और एक वर्क डन चैप्टर का, है ना? अब दोनों को लिख लेते हैं। लिखो पहला पार्ट, फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू pull the chain on the table. Find the work required to pull the chain on the table. ये क्वेश्चन किसका हो गया? वर्क डन चैप्टर का। चलो एक काम करते हैं, एक एक करके करते हैं, ठीक है? इसका डायग्राम बनाओ सब लोग। इसका डायग्राम देखो, क्वेश्चन में या तो हैंगिंग लाइन डायरेक्टली दे देगा या फिर वो पार्ट जो टेबल पे वो दे देगा, तो उससे भी हम लोग हैंगिंग लाइन निकाल लेंगे। डायग्राम बनाओ सब लोग। डायग्राम बना लिया? हाँ। कितना पार्ट? टेबल पे की हैंगिंग है। अब सुनो सब लोग, ऊपर देखो बच्चों। अगर मैं ऐसा कहता कि टू थर्ड ऑफ इट्स लेंथ इज ऑन द टेबल, चलो फटाफट बोलो, अगर टू थर्ड टेबल पे होती तो हैंगिंग कितनी लेते? टू थर्ड अगर टेबल पे तो हैंगिंग कितनी होती? वन थर्ड। और अगर ऐसा बोलता, सुनो, अगर ऐसा बोलता कि वन थर्ड ऑन द टेबल है तो समझ गए, तो इसमें वो कुछ भी घुमा ले। मुझे लगता है आपको घूमना नहीं चाहिए, कुल मिला के मुद्दा वही है, हमें उस बात से मतलब है कि कितनी लेंथ कहां पर है हमारी टेबल पे। सब लोग ऊपर देखो आप, सॉरी कितनी लेंथ हैंगिंग है, तो जो हैंगिंग लेंथ है वो कितनी है, क्वेश्चन में कितनी दी है? 2/3 किसकी टोटल है? एक बार ऊपर देखना अच्छे से, अब देख लो एक बार, नहीं तो फिर वो छोटा सा पॉइंट गलत कर दोगे तो हमें कोई मतलब नहीं है, इसलिए अच्छे सुन लो। The hanging length is 2/3 of the total length. मैंने क्या बोला? जब work done वाला formula लिखेंगे और revise करो, upon 2y² तो यहाँ पे y क्या है? 1/1/1/1 y क्या है? जो भी hanging length है उसको क्या कर दोगे? उल्टा कर दो। और l लेना? नहीं। तो यहाँ पर hanging length कितनी? कुछ नहीं, वो छोटी सी बात है। जो hanging length है वो कितनी है?
2/3L है, तो इसका क्या करना है, उल्टा करना है। तो जो यहाँ पर इस फॉर्मूले में y लेंगे वो क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देना, 3/2 और l नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ y की वैल्यू कितनी ले लोगे, क्या समस्या है, बैठ लो। वैसे छोटी सी लाइन है वैसे भी, तो जो वर्क डन वाला फॉर्मूला उसमें क्या करना है, जो भी हैंगिंग लेंथ होगा उसको क्या करना है, उल्टा करना है और एल को क्या करना है, नहीं लेना है। तो वर्क डन वाला क्या केस बन जाएगा, तो वर्क डन बराबर MGL upon 2, सिंपल y कितना होगा, 3/2 का वो कितना जाएगा, upon 2, 3/2 का स्क्वायर कितना होगा, 9/4, तो ये कितना होगा, 1 से 2 से ये 2 का चले जाएगा ऊपर, तो वर्क डन बराबर, यही क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई, 2/9 MGL। हाँ बेटा, उसमें आपको विचार पक्का, कैपिटल एल स्मॉल एल क्या होता है, जो है ना लिख दो चुपचाप, अब एक ही बात है भाई, मेरे अगर एक ही लेंथ लिखी तो कैपिटल एल लिख लो, स्मॉल एल लिख लो, दो लिखे तो चीज सही चीज है, मुझे अच्छी लगी है, किसी को कुछ कोई अच्छा सा जवाब नहीं दे रहा है तो ठीक लिया। दूसरा चलो दूसरा देखना, सेकंड पार्ट क्या हमारा, लिखो, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द चेन एंड द टेबल, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द चेन एंड द टेबल, चेन और टेबल के मध्य घर्षण गुणांक ज्ञात करें, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द चेन एंड द टेबल, घर्षण हिंदी में कितना शब्द है घर्षण, तो फीलिंग आती है कि फ्रिक्शन बढ़ गया, नहीं आई, हाँ सब लोग देखो ऊपर, तो हाँ फ्रिक्शन निकालने वाला फॉर्मूला क्या है, वाई इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू प्लस वन इनटू एल, यहाँ पर वाई क्या है, बस भाई कंपेयर, यहाँ पर y क्या लेना है, जो भी हैंगिंग लेंथ, यहाँ y क्या लेना है, फिर बोलो, जो भी हैंगिंग लेंथ है उसका उल्टा, और l नहीं लेना है, बट यहाँ वाले फॉर्मूले में y क्या है, डायरेक्ट जो हैंगिंग लेंथ विद l, तो ये हैंगिंग लेंथ कितनी है, 2y3, तो डायरेक्ट क्या कर दोगे, 2y3 l, फॉर्मूले में फर्क समझ लो, बस ये फर्क है, यहाँ पर उल्टा करना है, एल नहीं लेना है वर्क डन में, यहाँ डायरेक्ट जॉइनिंग लेंथ है उसको लिख दो, ताकि एल से कट जाए, प्लस वन इंटू कितना एल, एल से क्या हो जाएगा, सॉल्व कर लेंगे, कर लेना सॉल्व एक बार जरा, तो 2μ + 2 = 3μ, तो म्यू इज इक्वल टू, हालांकि 2/3 हैंगिंग लेंथ होती नहीं है, इसलिए म्यू की वैल्यू इतनी ज्यादा है, इस चेन को भी लटकाया था तो कितनी हैंग हो पाई थी, इतनी से जरा सा, देखो ये 1/3 भी नहीं थी, और अगर इसको 2/3 लटका के रखना मतलब इतनी, तो उन परिस्थितियों में फिर बहुत ज्यादा फ्रिक्शन देना पड़ेगा, बहुत ज्यादा रफ करना पड़ेगा उसको, ठीक है, देख लीजिए इसको, इसमें कोई सवाल हो किसी मन में तो पूछ लीजिए, कोई सवाल हो मन में तो पूछ लीजिए, ये वाले फॉर्म आप जब भी इस फॉर्मूले को लिखोगे ये जरूर लिख देना हिंदी में, तब तो वो दिमाग में रिवाइज होगा, ये y डायरेक्टली हैंगिंग लेंथ है और ये y रेसिप्रोकल ऑफ हैंगिंग लेंथ है, ठीक है। चलिए इसमें लास्ट प्रॉब्लम आती है, देखो वॉल प्रॉब्लम, वॉल दीवार, देखा
यहाँ पर लाइट जाने का सिस्टम इसलिए नहीं क्योंकि लाइट यहाँ से आती है, इसे लाइट चली जाएगी तो अंधेरा नहीं होगा, इसको मैंने फेंका था अभी। वहाँ पे क्या होता है कुछ क्लासरूम में मतलब थोड़ा अंदर रहती है बिल्ड मल्टी बल्टी में, जैसे ही लाइट जाती है अंधेरा हो जाता है। अब बच्चों का एक यूनिवर्सल होता है कि जैसे लाइट जाती है वो क्या करते हैं, उनको फायदा मिल जाता है, जैसे लाइट गई तो कोई देख तो रहा नहीं तो कोई चिल्ला रहा है, वो कोई बेंच बजा रहा है। कभी कभी वो लोग ज्यादा भावनाओं आके कुछ गंदी हरकत भी कर देते हैं। अब किसी ने मेरे को बताया वहां पे कि सर वो लाइट गई तो वो लड़कियों के पीछे कोई लड़के बैठते तो उन्होंने हरकत कर दी लड़कियों को ऐसे, तो मेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने सर ये लोग अंधेरे का फायदा उठा रही है। तो ठीक है उस समय में मतलब कुछ नहीं कर सकते, कैमरे अपने सब बंद है, इनका अभी रिएक्शन देना मतलब कोई मतलब नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम है। मेरे को पता था वो कुछ लड़के हैं वही लोग कर सकते हैं शायद ये लोग। फिर कभी लाइट जा रही जनरेटर में बंद होने में 3-4 सेकंड गैप आता है, वो बंद होती फिर जनरेटर चालू होता है, फिर लाइट जाए तो वो खराब हुआ मेरे साथ, तो बदतमीजी कर रहे हैं। जैसे ही लाइट गई हो गया मेरा फट से बस्ता फेंक के मार दिया इंस्टेंट, उसी उधर ही वो ग्रुप में फटाक से उन्होंने डस्टर फेंक के मार दिया धन्य से, वो कौन दे रहा था किसने मारा सबको पता मेरे हाल डस्टर था। फिर उनको मैंने बताया देखो बेटा अंधेरे का फायदा मत उठाया करो, हम लोग भी उठा सकते हैं कुछ नहीं। उसके बाद चुप, वो एक प्रैक्टिकल टाइम पे बिल्कुल सही टाइम पे, क्योंकि मुझे पता ही था कि जैसे लाइट जाएगी सारे लोग चिल्लाएंगे तो बस ये ब्रो चाहते रहते बट सवाल दिमाग से यहाँ दिक्कत रह रही, आप जाती नहीं लाइट देखो जरा क्या होता है, कभी जाए तो महंगी चीज है। देखो जरा अब क्या ले रहे हमें, हाँ ये क्यों रख दिया, हाँ यही कर रहा था, काम भी तो ही नहीं तो क्लास खत्म होने के पहले 2 मिनट गाने बजाओ तो नाचो, हो सकता है कि कुछ एडमिशन बढ़ जाए, बहुत से लोग पढ़ने थोड़े ना आते हैं, ये नचवा दो। देखो अब ये वाली प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारी चीज नहीं मिलती सारी लैपटॉप है पर ठीक बताओ के लिए अरे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो रिफ्लेक्स सेक्शन वाले जैसे हम बैग उठाते हैं बायो में कहते हैं ऑटोमेटिक खाना, जैसे ही बैग उठाया ऑटोमेटिक वो मेरे कंधे में चलेगा, चलो खाने जाने क्या करना है। दीवार प्रॉब्लम में क्या समस्या है, अच्छा पिक्चर में दिखाते हैं फ्रिक्शन वाली प्रॉब्लम, जैसे पिक्चर में दिखाते हैं ना बहुत जो पावरफुल होता है वो क्या करता है, जब कोई छोटा मोटा मामूली गुंडा पब्लिक को परेशान करते रहता था तो माँ बाप अमिताभ बच्चन आता है और क्या करता है उसको गर्दन से पकड़ के धीरे धीरे उसके पैर क्या होते हैं छूट जाते हैं, फिर उसे दीवार पे पकड़ के रखता है, तो उसका मतलब क्या उसके पास बहुत पावर है, तभी तो वो ऐसा दीवार को उसको पकड़ के रख लिया। अब मैं बोलूँ कि यार जैसे मस्ती कर रहा है इसको पकड़ के, मैं अगर इसको उठाने की कोशिश करूँ तो फिर क्या होगा, तो नीचे स्लिप हो जाएगा। तो यही प्रॉब्लम है, किसी चीज को आप दीवार पर टिका के रख सकते हो। देखो जैसे ऐसा बैग में ठीक ठाक भारी है, अब मैंने बोला कि मुझे इसको इस दीवार पर टिका के रखना है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर वो फोर्स ज्यादा हो गया तब तो ठीक है, अगर कम हो गया तो क्या होगा, स्लिप हो जाएगी। यही प्रॉब्लम है किसी चीज को दीवार पर चिपकाए रखने के लिए कितना मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड, इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन है, या तो वो परपेंडिकुलर दबा देगा या फिर वो एंगल पे दबा देगा या फिर वो ऐसा दबा देगा, तो टाइप ऑफ प्रॉब्लम याद रहना वहां पर जरूरी है। व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स किसके लिए रिक्वायर्ड, अंग्रेजी में टू होल्ड द ब्लॉक, क्या किया आपने उस आदमी को होल्ड करके रख दिया ना कहां पर, दीवार। अगर उससे ज्यादा फोर्स होगा तो होल्ड रहेगा,
उससे कम होगा तो वो पूरी वस्तु उधर चली जाएगी नीचे, वही फ्रिक्शन की एप्लीकेशन भी। अब इस टाइप की प्रॉब्लम आप लोगों को मिलेगी तो उसको कैसे करना देखते हैं, इसमें कोई नई बात है। यह हमारा भाई जो हम लोग फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ले रहे हैं भाई, तो फ्रिक्शन चैप्टर की अच्छी बात यह है कि ज्यादा कुछ पूरे मैकेनिक्स में ज्यादा कुछ फॉर्मूले नहीं है, वही प्रैक्टिकल बात है। अप्लाइड फोर्स चेक कर लो, फ्रिक्शन चेक कर लो, जो जीत जाए उसके हिसाब से। तो पहले वाले केस में देखो यहां पर आया और ये 10 किलो का काफी मेरे हिसाब से, तो ये 10 किलो के ब्लॉक को हमने क्या किया दीवार में ऐसा दबा दिया, ये क्या है दीवार, दीवार में चिपका के रखा है, और दीवार और इसके बीच जो फ्रिक्शन रफनेस है वो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना है 0.5। तो पहले मैं स्टैंडर्ड एफ के फॉर्म में बात करता हूं, फिर मैं एफ की वैल्यू दे दूं। तो सवाल वही पूछेंगे, व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ टू होल्ड, अंग्रेजी में टू होल्ड द ब्लॉक ऑन द वॉल। तो इन परिस्थितियों में क्या करना है, कुछ नई बात नहीं है, सब लोग एक बार ऊपर देख लो, कुछ भी नहीं करना है, एफबीडी बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं उसको हम लोग चेक कर लेते हैं। अब यहाँ नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा इसमें देखना अच्छे से, यहाँ ऊपर लगा था इंक्लाइंड प्लेन पे ऐसे लगा था, अब यहाँ नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा, सबसे पहले ग्रेविटेशन किधर लगेगा, कितना 10 किलो का 100 न्यूटन, हम जो लगा रहे हैं हम जो चिपका रहे हैं इसको दीवार वो किधर लगा रहे लेफ्ट। अब नॉर्मल यहाँ किधर लगेगा, देखो ये कॉन्टेक्ट सर्फेस है ना, तो यहाँ जो नॉर्मल लगेगा वो इधर लगेगा, व्हाट्स द राइट, ऐसा क्यों भाई, जब ऐसा था भाई आप समझो कि ये कॉन्टेक्ट सर्फेस के परपेंडिकुलर, तो जब ब्लॉक ऐसा था तो ऐसा आप ब्लॉक को कैसा कर दिया, ऐसा कर दिया, तो इन परिस्थितियों में जो नॉर्मल लगेगा वो किधर लगेगा इधर, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, दिस विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट। अब यहाँ फोर्स देख लो कौन कौन से, तो हम किधर लगा रहे हैं, हम लगा रहे हैं लेफ्ट में, नॉर्मल किधर लग रहा है राइट, ग्रेविटी किधर उड़ा रही है नीचे। अच्छा इसका काम क्या है, वही तो वो फोर्स है जो उसको नीचे की ओर क्या कर रहा है, ठीक है, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, अपोजिट टू द मोशन। अच्छा इसका मोशन लेफ्ट राइट हो सकता है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं इस लैपटॉप को पकड़ के क्या कर रहा हूँ, इस बोर्ड में दबा रहा हूँ, पता चले बोर्ड फट गया और दीवार में घुस गया, उस तरफ मोशन पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इस तरफ वाले बैलेंस हो जाएंगे, जो नीचे वाला है वो उसको नीचे बुलाने की कोशिश करेगा, तो जो फ्रिक्शन आएगा आपका काय से दीवार से वो फ्रिक्शन किधर आएगा, बस फिर यहाँ पर भाई देखो हर क्वेश्चन में कहानी वही अप्लाइड की, बस अप्लाइड फोर्स बदलते जाता है, कभी हम डायरेक्ट लगाते हैं, कभी इंक्लाइंड प्लेन पे एमजी साइन थीटा रहता है, कभी क्या आ जाता है, तो यहाँ पर अप्लाइड फोर्स कौन सा होगा, कौन सा बैलेंस हो जाएंगे, वही ना कि वहाँ बैलेंस अलग अलग क्वेश्चन में कौन से हो रहे थे, तो ये वाले में एन ने बैलेंस कर दिया एमजी को, इस वाले में एमजी कॉस थीटा, अब यहाँ पर देखो तो ये एन किधर लग रहा है राइट में, और हम किधर लगा रहे हैं लेफ्ट में, कहीं दोनों को बैलेंस कर, ऐसे इक्वेशन लिखनी, बस तो यहाँ पर एट द बैलेंसिंग कंडीशन एफ की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, एम के बराबर हो जाएगी, और चलने की कंडीशन क्या होगी बताओ, जब कौन बड़ा होगा, क्वार्टर नहीं, ये किधर बुला रहा है, ये बोल रहा है आ 100 न्यूटन है मेरे पास, 100 न्यूटन का फोर्स है, ये बोल रहा है 100 न्यूटन से नीचे चले जाए, और फ्रिक्शन क्या बोल रहा है, नहीं नहीं उसकी बात मैं सुनना ऊपर रहे, बस अगर ये जीत गया तो उन परिस्थितियों में, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स अगर फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम कर गया, तो अब बच्चों यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स ही क्या बन जाएगा, अप्लाइड फोर्स। तो कॉन्सेप्ट क्या है, वही शुरू से बात कर रहा हूँ, अगर अप्लाइड बड़ा है तो अप्लाइड बड़ा, हम बड़े, अगर हम बड़े हैं तो क्या कर देगा, मूव कर देगा, और अप्लाइड छोटा है तो सही, तो कंडीशन किसकी बनानी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ रिक्वायर टू होल्ड द ब्लॉक, होल्ड करना है मतलब मूव कराना है कि नहीं, नहीं। तो अब यहाँ ध्यान से सुनना, फॉर द ब्लॉक नॉट टू मूव, ओ बच्चों फॉर द ब्लॉक नॉट टू मूव, अगर नॉट टू मूव करना है तो ग्रेविटेशनल की वैल्यू बड़ी की छोटी, अगर बड़ी हो गई तो
नीचे आ जाए हो जाए नॉट टू मूव में 100 की वैल्यू लेस होनी चाहिए किससे आपकी ये वाले का क्या बोल रहा हूं बेटा समझ में आ रही कहानी खतरनाक तरीके देख रही है फ्रिक्शन और जो फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है म्यू इनटू एन और एन यहां पे किसको बैलेंस कर देगा एफ को बैलेंस कर देगा तो बस 100 शुड बी लेस देन म्यू कितना दिया 0.5 और एन किसको बैलेंस कर देगा तो इसको सॉल्व करते हैं कौन बड़ा है यहां पे चिड़िया की चोंच लग रही ये बड़ा है ना हां तो अब इसको सॉल्व कैसे इसको सॉल्व कैसे कर लेते हैं इसको डिवाइड कर दो नीचे हां तो अरे ऐसा लिखा 100 शुड बी लेस देन 0.5 तो इसको सॉल्व कैसे करोगे हां डिवाइड इसको नीचे ले जाओ हां 100 अपॉन 0.5 ग्रेटर देन कितना होना चाहिए एफ ये कितना आ जाएगा 200 तो 200 की वैल्यू क्या होगी लेस देन एफ तो इसको पढ़ाओगे कैसे कौन बढ़ाए 200 बढ़ाए कि एफ बढ़ाए तो अगर एफ की वैल्यू ग्रेटर देन 200 होगी तो इस परिस्थितियों में द ब्लॉक विल नॉट मूव एक बार सुनो एक की कोई कंडीशन निकालो अच्छे से देखो लिखो मत पर एक की कंडीशन निकालो मतलब अगर नहीं चलने की कंडीशन मिल गई तो उसकी जस्ट उल्टे किसके हो जाएंगे चलने की तो हमने ये किसकी निकाली थी 100 लेस देन एफ तो यहां अच्छे से लिखना ये किसकी है तो नॉट मूव की कंडीशन क्या आई कि फोर्स की वैल्यू 200 से बड़ी होनी चाहिए अगर बड़ी होगी तो नहीं चलेगा बट अगर फोर्स की वैल्यू 200 से छोटी हुई तो चलेगा उन परिस्थिति में क्या होगा मूव लिख लो एक क्वेश्चन और दूंगा फिर स्टेप बाय स्टेप करना है सबसे पहले क्या करना है स्टेप जिन लोगों को नहीं एक बार फिर से देख लेना नॉर्मल इधर लगेगा हम इधर लगा दें इन दोनों को बैलेंस कर देना ग्रेविटेशन नीचे लगेगा फ्रिक्शन ऊपर लगेगा अगर ग्रेविटेशन बड़ा हो गया फ्रिक्शन से तो चल जाएगा अगर ग्रेविटेशन छोटा है तो वो नहीं चलेगा फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू इनटू एन कर देना बोलो बेटा नाम की बार हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ मैं कि नहीं चलने की कंडीशन क्या है जब तक ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से क्या होगा आपका छोटा होगा उन परिस्थितियों तक नहीं चलेगा और अगर ग्रेविटेशनल फ्रिक्शन को भी ओवरकम कर लिया तो क्या होगा चल जाए फिर एक क्वेश्चन और होगा इसको लिख लो पहले फटाफट लिख लो पहले लास्ट में आज आप लोग फ्रिक्शन की प्रैक्टिस करेंगे एलएलएम फ्रिक्शन की एक सम करना मतलब तो अच्छा रहेगा बारह बजे आप लोग डाउट में आइएगा 12 से 12:30 तक डाउट पूछ लीजिएगा भगना नहीं क्लास नहीं है उसके बाद कोई 12 बजे से डाउट पूछ लीजिएगा बेटा वैष्णवी राम गिरवा और वैष्णवी को तो लिखे दुर्गे दौड़े दुर्गे दुर्गे महाराष्ट्र में सरनेम भी सेम बहुत कम होते ये भी मैंने देखा बहुत कम मुझे लगता है क्लास में शायद लगभग सब लोगों का सरनेम अलग है सेम नहीं होते नॉर्मल यूं हर तरह के एमपी एमपी में भी सन्ने बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं है यूपी यूपी में जाओगे तो आपको बहुत कॉमन मिल जाएंगे तिवारी मिल गए तो तिवारी लाइन से दुबे मिल गए तो दुबे लाइन से सक्सेना है तो वो लाइन से श्रीवास्तव है तो वो लाइन से शर्मा है तो हजारो ही है पर इधर तो सबका यूनिक सन्ने सबका यूनिक छोटा मुस्कान तुम्हारा क्या है ददुरे वैष्णवी लांटे लड़की
बताओ बताओ, मुझे सुनना अच्छा लगता है। बताओ लिखो, बताओ ना। भरली फुटकर के भी नाम है। भरली फुटकर याद करके लाना किससे कुछ कल का होमवर्क ही आपका चलो इन दोनों को लिखो। वो देखो सियानी सुहानी गिरी पुंजे गिरी पुंजे से लग रहा है कटाले लिख लिया फोटो बना लिया। चलो फटाफट करो आखिरी अंतिम प्रश्न आज का। तुम लोग हमारे तरह तो लोग जी नहीं देते हैं, अजीब सामने वालों को बहुत मजा लेते हैं, बहुत मजा लेते तुम लोग अजीब सामने कैसे लगते गोंदे रोकड़े देखो इसमें ये 100 न्यूटन का फोर्स लगाया दो केजी वाले ब्लॉक में। आपको बताना है सबसे पहले चलेगा कि नहीं चलेगा, अगर नहीं चलेगा तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, क्या पूरा यूज करेगा, अगर चलेगा तो एक्सेलरेशन कितना होगा वो बता दो। सब लोग जो बताया करो फटाफट, एफबीटी बनाओ जल्दी। एफबीटी बनाओ, फ्रिक्शन की मैक्सिमम ताकत यूज करो और अप्लाइड चेक करो, देखो कौन बड़ा है। अपने को तो पूरे 2 साल की फीस भरे हैं, ऐसे बच्चे लाओ ना क्या अभी और फिर 5 साल और पूरी फीस भर कर आएंगे। हाँ भाई, हाँ बेटा मुस्कान, कॉन्टैक्ट फोर्स कितना है? एटीन न्यूटन आ रहा है। ओके तो ब्लॉक मूव नहीं करेगा, नहीं करेगा इसके ऊपर एक आदमी को खड़ा करते। देखो सब अभी सबसे पहले सब लोगों ने मना लिया, ओ भाऊ अब जो लोग नहीं मना रहे मक्कारो मक्कारी मत करो, नॉर्मल इधर लगेगा, इधर ग्रेविटेशन 20 न्यूटन ऊपर और फ्रिक्शन कितना लगेगा चेक करना है, फ्रिक्शन की मैक्सिमम ताकत। तो फ्रिक्शन कितना होगा 0.8 into n किसको बैलेंस कर देगा, तो ये n इसको बैलेंस कर देगा, तो 0.8 into n कितना, तो f max
बस तो फ्रिक्शन के पास मैक्सिमम ताकत कितने की 80 न्यूटन पर जो ग्रेविटेशन है उसके पास सिर्फ कितने की 20 तो कौन बड़ा फ्रिक्शन बड़ा तो अप्लाइड फोर्स वैष्णवी अप्लाइड फोर्स बड़ा है छोटा है किसने हमारे एफ मैक्स तो ब्लॉक विल नॉट अगर मूव नहीं करेगा तो क्या फ्रिक्शन पूरा यूज कर लेगा सिंपल हाँ तो जितना अप्लाइड है उतना ही क्या होगा हमारा फ्रिक्शन इस क्वेश्चन को एक और बढ़ा देता हूँ दो मिनट है तो एक आदमी को खड़ा कर दो कर सकते हैं क्या सवाल ये व्हाट शुड बी द मास ऑफ मैन सो दैट द लॉक स्टार्ट्स मूविंग ऐसा कुछ भी बना ऐसा बोल दिया उसने अब कितने वजन के आदमी को खड़ा करना पड़ेगा ताकि वो मास क्या हो आपका मूव करना स्टार्ट कर दे क्या संभव है कि नहीं पहले तो ये मूव नहीं कर रहा था तो यहाँ पे कुछ भारी रखता वजन तो फिर क्या होगा मूव करना चालू कर दे तो सब कुछ सेम रहेगा कोई चेंज नहीं होगा आप लोग सॉल्व कर लो बस यहाँ पर नीचे की ओर फोर्स क्या लगेगा तो टू तो इसका है प्लस एम इसका है इनटू कितना मूव कराना है तो अब इस फोर्स को किससे बनाना चाहिए फ्रिक्शन की मैक्सिमम ताकत कितनी है 80 तो अब क्या लिखोगे 2 प्लस m इनटू 10 ये किससे बड़ा होना चाहिए तो काट दो 10 से कट जाएगा तो मास की वैल्यू क्या होना चाहिए 6 केजी से अगर 6 किलो से ज्यादा का आदमी को खड़ा कर दोगे तो कल का काम क्या भाई तो बिना कोई डिले करे एक दिन एनएलएम फ्रिक्शन और कर लो कल से 12th का स्टार्ट कर देंगे 11th तो बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं आओ कुछ परिवर्तन करें इलेवन का मेरी सीधी का ट्वेल्थ का मुझे लगता है ज्यादा सही ज्यादा हाँ ये बोल सकते हैं थोड़ा छोटा है वो ज्यादा प्रैक्टिकल ये है थोड़ा आप इस पर ध्यान दोगे तो ये ज्यादा मुझे लगता है इजी रहता है वैसे मैग्नेटिज्म ये टॉपिक सही थोड़ी ना इससे